कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बीजेपी सरकार के कामों की उपलब्धियां गिनाई। 24 दिसंबर को भिवानी में किसान सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल रहेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल इन दिनों अपने हल्के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में गाँव में चुनावी दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री लगातार सरकार के विकास कार्यों की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमारे नायब सिंह सैनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत सारे अलग मंत्री विधायक इसमें भाग लेंगे। किसानों के लिए ये कार्यक्रम है और इससे जब से लोगों को सूचना मिली है, कल हमने शिवानी में मीटिंग की थी, आज लोहारू में की है, पूरे इलाके के भिवानी जिले के अंदर खुशी की लहर है कि किसानों के लिए कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्र में मिला है और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा और किसानों में बड़ी इसकी इंतजार था इस कार्यक्रम का। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के हित में चलाई जा रही नीतियों का भी बखान किया। निश्चित तौर पर जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं इलाके में तो इलाके को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा मिलता ही मिलता है, और आज़ादी के बाद के सबसे बड़े किसानों के नेता जिनके साथ गरीब से लेकर मजदूर से लेकर खेती और मजदूर से लेकर के सब जुड़े हुए थे, जिन्होंने ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे नेता की यादगार में हमारी कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं और ये कार्यक्रम हमें हमारे क्षेत्र में मिला है, इसकी मैं उनकी धन्यवाद करके और इलाके के लोगों को आह्वान करता हूँ कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम करें जिसकी आवाज़ चंडीगढ़ और दिल्ली तक जाएगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री जनता तक विकास के रोडमैप की योजना को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी आधार पर आगामी चुनावी बिसात के बीच प्रदेश में फिर से कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।